हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं एक बार फिर से आपके साथ यहां पे आया हूं। और इस इन्फॉर्मेशन को वो सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुनिएगा जिनको हमेशा दिक्कत आती है, सर पजल्स कैसे सॉल्व किया जाए, बैंकिंग एग्जाम्स को क्रैक करना है, प्री नहीं हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है। उसका सबसे बड़ा हर्डल आपका जो आता है वो या तो लॉजिकल रीजनिंग होता है या फिर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल होता है। इसके अलावा जो मिसलेनियस चैप्टर है, ये ट्रू है कि वहां से बच्चा अगर प्रैक्टिस करता है तो वो काफी अच्छा कर लेता है, लेकिन पजल सिटिंग अरेंजमेंट और लॉजिकल पे प्रैक्टिस करने के बाद भी उसको डर लगता है। अब या तो हो सकता है वो इतनी वैरायटी नहीं जानता या हो सकता है वो इतनी प्रैक्टिस नहीं करता। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे और किस तरीके से आप प्री से लेकर मेंस लेवल तक की हर एक पजल को सॉल्व कर सकते हैं और वो भी सारी वैरायटी के साथ में। सो गाइज, मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं और जो सिलेबस में लेके आया हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बात सही कही जा रही है, इससे वाकई में हमारी पजल सिटिंग अरेंजमेंट की जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी और साथ में जो लॉजिकल की बात की जा रही है वो भी दूर हो जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी प्लस पे लेके आया हूं आपके लिए एक अल्टीमेट कोर्स जिसका नाम दिया गया है कामयाबी बैच फॉर पजल प्री टू मेंस लेवल। मैंने फोकस किया है प्री के साथ साथ मेंस पर भी। ये बैच जो आपका स्टार्ट हो रहा है, ये आपका 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 5 अप्रैल से। इस बैच के अंदर क्या क्या है ये देखिए। इस बैच की जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह 10 बजे से 11 बजे तक की रखी गई है। इंपॉर्टेंट ये है सुबह 10 बजे, क्यों? क्योंकि गाइज जब मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, हमारा दिमाग बहुत ओपन होता है नई नई चीजों को ग्रैप करने के लिए। अगर हम अर्ली मॉर्निंग पे अपनी जो क्लासेस हैं वो अगर कवर करते हैं तो पूरे दिन तक वो चीजें हमें याद रहती हैं, लेकिन अगर दोपहर या शाम तक है तो ऑलरेडी हमारा माइंड काफी थक जाता है, काफी सारी चीजों से हम थक जाते हैं, राइट? हमारी बॉडी भी थक जाती है क्योंकि हम दिन भर बहुत सारी भागदौड़ कर रहे होते हैं अपने अपने कामों को लेकर के। सो मैंने इसलिए कोशिश करी है कि आपको जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मॉर्निंग में सिखा दी जाए, बाकी दिन आप क्या कर सकते हैं, रात में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो बैच है, इस बैच के अंदर देखिए मैंने क्या क्या स्टार्ट किया, कैसे किया है। बेसिक में आपको पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद प्रैक्टिस में करवाऊंगा, वो भी प्री लेवल की। यानी ये दो क्लासेस आपकी जो होंगी वो क्या होंगी, प्री लेवल की क्लासेस होंगी, राइट? इसके बाद आपकी जो क्लास होगी वो हाई लेवल की होगी, यानी उसी प्री की वैरायटी पे हाई लेवल का क्वेश्चन। ये आप ऐसे समझिए, प्री लेवल में आप सभी लोगों ने सर्कल के क्वेश्चन किए होंगे, राइट? लाइन के क्वेश्चन किए होंगे, राइट? जिसमें फेसिंग नॉर्थ होता है, साउथ होता है। मैं उसी पैटर्न पे आपको एक हाई लेवल का, जैसा एग्जाम में आ रहा है, जैसा एग्जाम में आता है, आया है पहले भी, उसी वैरायटी पे क्वेश्चन कराऊंगा। क्यों कराने जा रहा हूं? वो इसलिए ताकि आपको ये पता लग सके कि एग्जाम के अंदर ये लेवल आता है, हाई लेवल पे ये होगा, हमें इस लेवल को पहले टच करना पड़ेगा। इसके बाद मैं फिर से आपको एक डाउट सेशन लूंगा और प्री का सेशन लूंगा, अगेन एक प्री का सेशन लूंगा, फिर मेरे दो सेशन होंगे जो प्री के होंगे और एक सेशन जो होगा वो मेंस का होगा। वो इसलिए मेंस का होगा ताकि आपको ये पता लग सके मुझे प्री के साथ साथ मेंस भी तैयार करना है। आपकी जो थॉट है, सर मेरा पहले प्री होने दो फिर मैं मेंस की तैयारी करूंगा, दोस्त इतना वक्त नहीं होता है कि प्री भी कर लो मेंस भी कर लो, पहले प्री अच्छे से निकालो फिर एक महीने में आप सारा मेंस निकालो, दैट इज नॉट पॉसिबल। मेंस जिसका भी निकला है ना आज तक, उस बच्चे ने कभी भी एक महीने में मेंस नहीं निकाला है, वो बंदा शुरू से प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करता है। तो गाइस ये कोर्स लेके आ रहा हूं जो कि अप्रैल के मंथ में है, ध्यान रखिएगा दिस इज फॉर अप्रैल मंथ। इसके बाद मई में जब हम आएंगे तो उसके लिए इसका आगे का पार्ट होगा। तो ये जो डेट्स है, ये डेट्स आपकी है, 30 अप्रैल तक की क्लासेस हैं, ये आप देख सकते हैं, और डेली टाइमिंग आपका 10 बजे से 11 बजे तक का रहेगा। इस पूरे कोर्स के साथ में मैं आपको प्रैक्टिस पीडीएफ देता हूं, और मैंने हमेशा दिया है, मेरा जो हाई लेवल का बैच था पिछला वाला, उस पिछले बैच में भी मैंने हाई लेवल की 3-3 पजल्स करवाई थी जब 2-2 घंटे का बैच था, लेकिन उसके साथ में मैंने उन्हें प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ लिए, रोज क्वेश्चन दिए, कई बार 2 दिए, कई बार 3 दिए, कई बार 1 दिया, लेकिन जो एक एक क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन होते थे उनका लेवल बहुत अच्छा होता था, वो एग्जाम के बिल्कुल पैटर्न पे होता था। उस क्लास की रेटिंग आपको मैं बता दूं, उस क्लास की रेटिंग 100% रही है और करीब 30 से ज्यादा बच्चों ने 5-स्टार रेटिंग दी है उसको। तो आप ये सोच सकते हैं कि उस कोर्स की क्या लेवल रहा होगा। तो आपको एक और चीज जो मैं बताने वाला था वो ये था, कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग। गाइस मेंस में जो नया पार कराता है, या तो वो मिसलेनियस होता है या फिर वो यहां से होता है, पजल सिटिंग अरेंजमेंट हर बच्चे से नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि या तो मैं वो बच्चा बन जाऊं जो 4 पजल में से 2-2 करके आऊंगा और मेरा कल्याण हो जाएगा, टेंशन फ्री, और फिर मैं लॉजिकल छोड़ दूं, या इस बार आप मेमोरी बेस्ड पेपर या फिर एनालिसिस उठाइए, लाइव यूट्यूब पे आप सर्च करिए किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम का एनालिसिस जो मेंस का होगा, आप ये देखिए 8-8 क्वेश्चन यहां से आए हैं, और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद सोचने के बाद तुरंत आंसर कर सकते हो, 3-4 मिनट में आप आराम से आंसर कर सकते हो। लेकिन फिर भी दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कोई पढ़ाता नहीं है, बच्चा पढ़ता नहीं है। तो गाइस मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पूरा लॉजिकल रीजनिंग, और मैंने शुरू से पढ़ाया है,
मैंने शुरू से लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस किया है हर एक बच्चे के कि भाई तेरे को हर तरीके से तैयार रहना है। मिसलेनियस भी मैंने बेस्ट से बेस्ट तैयार करवाया है, पजल्स भी मैंने अल्टीमेट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तैयार करवाए हैं, और लॉजिकल भी मैं आपको बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करवाऊंगा अन अकेडमी प्लस पे। यू कैन यूजिंग माई कोड सचिन 10 एंड यू विल गेट 10% ऑफ एज वेल। तो देखो क्या करना है, इसका पूरा सिलेबस बताता हूं, दिस इज जस्ट पार्ट वन, ये केवल पार्ट वन है, और मई के अंदर और जून के अंदर इसके पार्ट टू थ्री भी हम कवर अप करेंगे, इसके नए नए चैप्टर्स को भी हम कवर अप करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। So, इसका क्या है, ये पूरा लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट वो समझ सकते हैं। ये जो बैच है, ये बैच अब 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और इस बैच का टाइमिंग रखेंगे 11 बजे का, यानी 10 से 11 वो बैच खत्म करेंगे, और उसके बाद अपन आएंगे नेक्स्ट क्लास में और 11 से 12 अपन इसे कंप्लीट करेंगे, राइट। और देखिए यहां पे मॉडरेट लेवल की करेंगे, हाई लेवल की क्वेश्चन करेंगे, एक चैप्टर पे 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो 3 क्लासेस करने वाले हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, इसके बाद अजम्पशन, अजम्पशन, अजम्पशन। कुछ क्लासेस तो मैंने इतनी भी रखी गाइस कि उन पर्टिकुलर चैप्टर पे 4-4 क्लासेस रखी हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप देखिए आर्ग्यूमेंट की 1 क्लास है, 2 क्लास है, 3 क्लास है, 4 क्लास है, क्यों? क्योंकि गाइस आर्ग्यूमेंट इज द बैकबोन ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। जिसको आर्ग्यूमेंट अच्छे से आता है, अजम्पशन अच्छे से आता है ना गाइस, उसके लिए लॉजिकल रीजनिंग आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इनकी क्लासेस 4-4 रखी हैं। लेटेस्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन के इन्फ्रेंस के आ रहे हैं। तो यहां पे देखिए मैंने कंक्लूजन की कितनी क्लासेस रखी हैं, 1 डाउट सेशन के साथ में, फिर बेसिक भी रखे, प्रैक्टिस भी रखा है, मॉडरेट रखा है, हाई लेवल रखा है, यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की 4 क्लासेस मैंने यहां पे रखी है। क्यों? ताकि मैं आपको उस लेवल पे प्रिपेयर कर सकूं, पहले से ही बता दूं, ये देखो ये लेवल होता है, मॉडरेट लेवल ये होगा, प्री लेवल ये होगा, यानी बेसिक लेवल ये होगा, और हाई लेवल ये होगा। दोस्तों अगर आपको लगता है, आपको ट्रस्ट है कि यस यू कैन क्रैक इट, आप हाई लेवल की पजल्स, प्री की पजल्स, लॉजिकल रीजनिंग क्रैक कर सकते हैं, आज ही ज्वाइन करिएगा। आप इस बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं मैं बता दूं, यूजिंग माय कोड। अगर आप बैंक के एस्पायरेंट है, अगर आप एसएससी के एस्पायरेंट है, या आप इनमें से किसी भी एग्जाम के एस्पायरेंट है, तो अनअकैडमी प्लस पे आप मेरे कोड को यूज कर सकते हैं। अगर बैंक के एस्पायरेंट होंगे तो बैंक के एस्पायरेंट की 1 साल की फीस जो होती है, 12 महीने की फीस यहां पे कितनी होती है, 6,500 होती है। दोस्त आप इस कोड को यूज करिए, इस कोड के बाद आपका डिस्काउंट प्राइस जो होगा वो 5,850 रुपए का होगा। 5,850 में आप आराम से बैंक के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा, क्या होगा वो देखिए। उसके लिए आपको मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस देखनी होगी अनअकैडमी पे, आप मुझे फॉलो करना होगा, ऐप आप इंस्टॉल करेंगे, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करेंगे और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, बढ़िए कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे मिलेगा। और इसके बाद देखिए, जैसे आप यहां पे आए, पेज पे आए, आपने सीधे क्लिक किया 12 महीने 6,500 रुपए, राइट। 12 महीने 6,500 रुपए आपसे यहां पे बोलेगा हैव अ रेफरल कोड, रेफरल कोड। तो यहां पे आपको जो रेफरल कोड लगाना पड़ेगा दोस्त, ये यहां पे रेफरल कोड आपसे पूछेगा। रेफरल कोड में जैसे ही आप लगाते सचिन 10, ध्यान रखिएगा दिस इज माय रेफरल कोड, जैसे ही आप ये रेफरल कोड लगाएंगे सचिन 10 कोड लगाते ही जो फीस अभी आपकी थोड़ी देर पहले 6,500 शो कर रही थी, अब वो कितनी हो जाएगी, 5,850। यानी सबसे पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि आपकी फीस 10% कम हो गई है ना। अब आपको चाहिए और एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो वो कैसे मिल सकता है ये देखिए। इसके लिए गाइस आपको मैं बता रहा हूं काफी देर से, और मैं अभी बता रहा हूं कि आपको मेरी फ्री क्लासेस देख के कुछ कॉइन जनरेट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, कुछ कॉइन जनरेट करने पड़ेंगे, राइट। जैसे यहां पे 330 कॉइन है जो क्रेडिट हुए हैं, राइट। तो आपकी फीस तो ये थी, अब आप इसे भी रिडीम करिए। इसे अगर आप रिडीम करते हैं, रिडीम करते ही ऑसम यू सेव 330 रुपीज और, यानी एक क्वेश्चन, एक कॉइन 1 रुपए के बराबर होता है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, अब आप देखिए 10% का मतलब है 617 रुपए तो आपने मेरे कोड से माइनस कर लिए। इसके अलावा अगर आपने जैसे ही फ्री क्लासेस देखी हैं तो 330 ओस माइनस हो जाएगा, यानी 6,500 कोर्स अभी 1 साल के लिए आपके पास आ जाएगा 5,500 रुपए में, 5,553 रुपए में, यूजिंग द कोड सचिन 10। आप इस कोड को यूज करिएगा, इसको ध्यान में रखिए, राइट। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी प्लस पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे सारे कोर्सेज आप पढ़ सकते हो विद डिटेल। और अनअकैडमी कॉम्बैट का जरूर ध्यान रखिए गाइस, हर संडे को होता है, कल भी होने वाला है, सो गो फॉर इट, यूज कोड सचिन 10, एनरोल फास्ट। तो ये गाइस प्रोसीजर है पूरा अनअकैडमी प्लस का कि कैसे आप मेरे सारे के सारे कोर्सेज देख सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है, सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, 12 महीने पे क्लिक करेंगे, 6,500 पे बताएंगे, पूरा प्रोसीजर मैंने अभी आपको बताया है। और अनअकैडमी प्लस में उसके अलावा ढेर सारे बेनिफिट है, एक सिंगल कोड, एक सिंगल एजुकेटर, बट उसके बाद सारे एजुकेटर से पढ़ सकते हो, सभी टॉप एजुकेटर से आप पढ़ने के साथ साथ सीख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो एसएससी और रेलवे की भी तैयारी कर रहा हूं, मैं क्या करूं, तो मैं आपको बेस्ट सजेस्ट करूंगा कॉम्बो ऑफर पे आप जाइए दोस्त।
कॉम्बो ऑफर अनअकैडमी ने हाल ही लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको एक साल की फीस 14,450 होती है, आप तीनों कोर्सेज पढ़ सकते हैं, एसएससी के एजुकेटर से, बैंक के एजुकेटर से, रेलवे के एजुकेटर से। जब आपसे बोला जाएगा अप्लाई कोड, वहां पे आप डालिए सचिन 10, एंड उसके बाद आपकी जो फीस होगी, जैसे आप यहां पे कोड डाल देते हैं सचिन 10, आपकी फीस 10% कम हो जाएगी, और उसके बाद आपकी फीस करीब 13,000 कुछ ऐसी हो जाएगी, क्योंकि 14,450 का 10% होता है 1,445 रुपए और माइनस कर लेना, और आपकी फीस ये हो जाएगी। तो दोस्त अनअकैडमी प्लस पे आप मुझे ज्वाइन करिए, 5 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हो सकता है कि ये बैच आगे चलता जाए और आपकी तैयारी छूट जाए। रिकॉर्डेड मोड पे देखने से बेहतर है इसको लाइव देखा जाए, लाइव क्वेरी की जाए। मैं वेट कर रहा हूं आपका 5 अप्रैल को, ठीक है? थैंक यू दोस्तों।